नमस्कार साथियों, भगवत गीता पर चर्चा हम लोग कर रहे थे और विगत चर्चा में हम लोगों ने इस विषय पर वार्ता करी डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के साथ कि गीता हर समस्या का समाधान किस प्रकार करती है। और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर हमें कोई उद्यम लगाना हो या कोई फैक्ट्री लगानी हो तो उसमें किस किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं और उसमें हमें गीता किस प्रकार मदद कर सकती है, तो और उसी विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। विगत चर्चा में हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के बारे में, कार्यकर्ता के क्या गुण होने चाहिए, उस विषय में चर्चा करी। और अगर हमें किसी वजह से उस प्रकार के कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं तो उस संबंध में गीता क्या कहती है, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर यशोधर मठपाल जी से। मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की चर्चा में, और आप हमें बताइए कि गीता हमारा मार्गदर्शन किस प्रकार कर सकती है। धन्यवाद। विगत प्रसंग में मैंने गीता के 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताया था कि किस प्रकार के सबसे उत्तम कार्यकर्ता होते हैं। मुक्त संगो अनहंगवादी दित्यो साव समित सिद्धि सिद्धो निर्विकारो कर्ता जाति उचित। अगर इस प्रकार के समर्पित कार्यकर्ता हमको न मिले हैं तो दूसरे कौन से कार्यकर्ता होते हैं दूसरी श्रेणी के, तो उसका खुलासा उसी 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा किया गया है। वह है रागी कर्म फल प्रेपसु लुब्धो हिंसात्मको सुजी हर्ष कानित करता राजस्व प्रकीर्तित। अब अगर हमको इस प्रकार के सात्विक कर्ता नहीं मिलते हैं जो समर्पित कर्ता, तो दूसरे कौन से होंगे, तो उसमें से ऐसे हैं कि अधिकतर रागी माने जिनका किसी न किसी से एक राग द्वेष बधा हुआ है। ये कर्ता तो अच्छे नहीं होते लेकिन उनमें राग के कारण वो काम करते हैं। और दूसरा उनका जो गुण होता है कर्म फल प्रेपसु, कि वो चाहते हैं कि जो इस काम का जो सबसे ज़्यादा फल मुझे मिले, और लुब्ध हो और हमेशा वो कार्य के बजाय उसके फल पर ज़्यादा लोभ वाली दृष्टि रखते हैं। इसके सिवाय वो हिंसक हो माने उनकी वृत्ति पूरी अहिंसक नहीं होती है। वो बात बात में गुस्सा हो सकते हैं, आपस में अपने साथियों के साथ कभी मनमुटाव भी कर सकते हैं। और अशुचि ही माने उनका जो खान पान या उनका जो सामान्य व्यवहार होता है वो भी बहुत पवित्र नहीं होता है। तो कभी मजबूरी में हमको ऐसे कार्यकर्ता रखने पड़ते हैं। उनका एक और गुण होता है हर्ष सुकानित होकर, वो जरा सी बात में खुश भी हो जाते हैं और जरा सी अगर उनको डांट डपट पड़ गई या किसी प्रकार से संस्थान में कोई अपर प्रतिकूल स्थिति आ गई या उनके जो बॉस हैं वो नाराज हो गए, तो वो हर्ष और शोक से अन्वित होते हैं। तो ऐसे जो करता है वो बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन तीसरे कोटि के जिनका कि हम आगे चर्चा करेंगे उनसे तब भी वो ठीक हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को राजसी कार्यकर्ता कहा है। अब अगर ये भी हमें न मिले और इस प्रकार के लोग मिले जिनके कि हमें गुण उनमें बहुत कम है लेकिन अवगुण ज़्यादा है और हम उनको देख रहे हैं लेकिन हमें अपना काम उनसे निकालना है, तो उसमें सबसे पहला तो है कि अयुक्त हो, प्राकृत हो, स्तब्ध हो, सठो नैष्कृतिक कोलस हो, विषादी दीर्घ सूत्री चौकर्ता तामोसुचित। ऐसे इस प्रकार के घटिया किस्म के जो कार्यकर्ता होते हैं, तो एक तो अयुक्त होता है। अयुक्त माने उनका मन नहीं लगता काम में, युक्त माने जुड़ना, अयुक्त माने असावधान, काम करते हैं वो लेकिन असावधानी से करते हैं। और दूसरा प्राकृत है, प्राकृत माने अनट्रेंड, माने उनकी विधिवत कोई ट्रेनिंग नहीं है इसलिए वो अशिक्षित जिनको कहा जा सकता है वो हैं। और तीसरा जो है स्तब्ध है, माने अगर कुछ बात कह दिया तो अकड़ जाते हैं। स्तब्ध माने होता अकड़ स्वभाव वाला, उनसे आप कुछ अगर अच्छी सलाह भी देंगे तो उसमें भी उनको बुरा लगता है। और सठ, सठ माने तो जिद्दी, अगर किसी काम के प्रति उनको अगर नाराजगी हो गई तो वो सठ माने अपने जिद्द में आ जाते हैं। और नैष्कृतिक हो, काम चौपट करने वाले, काम बिगाड़ भी सकते हैं। उलस हो, और आलसी भी होते हैं। इसमें भी सबसे बड़ा जो दुर्गुण है वो है दीर्घ सूत्री, माने जो काम एक दिन में करना होता है वो कई दिन में करते हैं। तो इस प्रकार के ये जो कर्ता हैं वो उनको तामस कर्ता कहा गया है।
वो मजबूरी में ही ऐसे लोगों को रखा जा सकता है जिनके की गुणों आप पहचान लेंगे कि इनको आलसी भी है और ये एक काम में टालमटोल भी करते हैं, ट्रेंड भी नहीं है, उनका मन भी नहीं लगता है। तो ऐसे कार्यकर्ता रखना ही मजबूरी होती है। लेकिन गीता ने इसमें सावधान किया है कि अगर इस प्रकार के आपको कभी इस प्रकार के हों तो उनसे आप जहाँ तक हो जितनी जल्दी छुटकारा पा सकते हैं और अच्छे उसमें आप कार्यकर्ताओं को ढूंढ सकते हैं। इसी संदर्भ में थोड़ा एक चर्चा ये भी होगी कि हम किस प्रकार का हमको काम करना चाहिए। कई बार हमें होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हम उसके लिए योग्य हैं या नहीं है, हमारी मनस्थिति इसके लिए है नहीं या हमारी क्वालिफिकेशन उसके लिए है या नहीं है। तो उसमें भी गीता ने उससे पहले 3 श्लोकों में बताया है। एक तो यह है कि वही काम ठीक होता है नियत हो, माने जो आपके लिए विधाता ने नियत किया है, माने जो आपके स्वभाव के अनुकूल है, नियत हो। संग रहित हो, जिसमें किसी के साथ आपकी गठबंधन न हो, आप किसी के ऐसा काम न करें जिसमें कि आप दूसरे के साथ आपको दूसरे साथी पर आपको निर्भर होना पड़े। तो वो है संग रहित हो। राग द्वेष कृतम, माने ऐसा काम करें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा राग द्वेष का सामना न करना पड़े। कंपटीशन ऐसा कि जिसमें आपको लगा है कि यार ये तो मेरा मतलब जो मैं काम करना चाहता हूँ इसमें खुद ही हमारे ऐसे प्रतिद्वंदी हैं जो हमारे काम को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और अपलोप रेप सुना, हमें ये निश्चित करना चाहिए कि शुरू में हमको कुछ लाभ हो या ना हो, फल के प्रति इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार का अगर हम काम करते हैं तो उसमें हमें यह है कि हमारे स्वभाव के अनुकूल होगा। लेकिन अगर इस प्रकार का हमें परिवेश नहीं मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि हम कामना बस करते हैं, जब तो काम ही सुनाओ कर्म हो, माने हम एक लोभ के बस हमारी उसकी सामर्थ्य नहीं है लेकिन हमारी उसमें बड़ी इच्छा है दूसरों से राग द्वेष के कारण, दूसरों के आगे निकलने के कारण। तो कामे सुना कर्म सहंकार न पुनः, या फिर हमारा अहंग इतना बड़ा हुआ है कि हम किसी के साथ न तो मिल के काम कर सकते हैं और न हम स्वयं भी जब अकेले होते हैं तब भी हमारे अहंकार को चोट लगती है। तो इस प्रकार का भी हमको काम नहीं करना है। और या फिर जिसमें बहुत मेहनत पड़े, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो हमारे हमको पता नहीं होता कि इसमें इतनी हमारी फजीहत होगी, तो इस प्रकार के काम को भी जो है बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। और जो तीसरा है, और जो घटिया स्थिति है काम की, वो है अनुबंधन स्वयं हिंसा, कि न तो हमने किसी प्रकार का एग्रीमेंट किया है आपस में, अनुबंध किसी प्रकार का नहीं है, और स्वयं हिंसा न हमने सोचा कि इसमें हमारा कितना नुकसान हो सकता है, इसका भी हमने ख्याल नहीं किया, या हमारी खुद हमारी आत्मा के प्रति उसके मतलब यह है कि हमारे हमें मन मार करके काम करना पड़े, तो वो जो है हिंसा अनवेक से चौपर। और अपनी सामर्थ्य से बाहर हमने बड़े उद्योगपतियों के, बड़े पूंजीपतियों के देखा देखी में हमने अपने पौरुष के मुकाबले अगर हमने कोई बड़ा काम किया है तो उसके पीछे कारण क्या रहता है कि मोहादारते, हम मोह बस वो काम करते हैं, हमको लगता है कि नहीं हम कर लेंगे, लेकिन सचमुच में हमें ये होता है कि किसी न किसी कारण से हमको लाभ प्रतिलाभ की इच्छा होती है या हम दूसरे से देखा देखी करते हैं, तो मोह से जो आरंभ किया जाता है ऐसा काम जो होता है वो अधिकतर सफल नहीं होता है। तो हमें एक तो अपनी रुचि के हिसाब से और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से, और दूसरा जो अच्छे से अच्छे हमारे कार्यकर्ता हों उनके हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो हमें इस प्रकार के कोई भी हमारा उद्योग होगा तो उसमें हम सफल होंगे। तो गीता ने 18वें अध्याय में ये करीब 6 श्लोकों में इस बात को स्पष्ट किया है कि आपकी योग्यता क्या है, आपकी रुचि क्या है, आपके भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है, उस आपके अनुकूल परिस्थितियाँ हैं या नहीं है, और दूसरा आपको कार्यकर्ता अच्छे हैं तभी आप सफल होंगे जब आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने देखा होगा कि जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान अवश्य है, बस ये हमें जानने की जरूरत है कि उसका समाधान कहाँ छिपा हुआ है, और भगवद गीता हर समस्या का समाधान देती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम एक नई चर्चा के साथ जुड़ेंगे, और आपकी कोई नई जिज्ञासा होगी तो उसका हम समाधान करेंगे। और हमारे साथ हैं भगवद गीता के मर्मज्ञ डॉक्टर यशोधर मठवाल जी, जो आपकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है या आपको इसमें रुचि है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।